नवरात्रि और ईद के मद्देनजर जिले के अमलाई थाने में शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक में शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील के साथ ही समितियों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए पूजा आयोजित करने की अपील की गई। इस दौरान नगर के वरिष्ठ नागरिक व पांडाल समितियों के संचालकों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। दुर्गा पूजा व ईद के मद्देनजर अमलाई थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नगर के सभी वरिष्ठ नागरिक व दुर्गा पांडाल के संचालकों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुढ़ार तहसीलदार मीनाक्षी बंजारे ने कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर ही पूजा पांडाल बनाने के निर्देश दिए व पूजा समितियों को गाइडलाइन का पालन करने का कहा। सरकार के निर्देशों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा पंडाल के संचालक खुद भी पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर की व्यवस्था रखेंगे। उन्होंने पूजा समितियों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए पूजा आयोजित करने की अपील की। आज दिनांक को थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत शांति समिति के समस्त दुर्गा समिति एवं शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो शासन की गाइडलाइन है, जो कोविड को देखते हुए जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश गए हैं, उसके पालन करने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं एवं भाईचारे के साथ आने वाले आगामी त्यौहार नवदुर्गा और ईद मिलादुन्नबी मनाने के संबंध में उनके प्रोग्राम के संबंध में जानकारी ली गई है और आवश्यक समझाइश दी गई। अभी जो पिछले साल के रिकॉर्ड है उसमें 42 समितियां थी। वर्तमान में अभी जानकारी के मुताबिक 40 से 45 के बीच में समितियां संभावित हैं जो हमारे यहाँ दुर्गा समिति रहेंगी और अभी तक की जानकारी में 42। ईद मिलादुन्नबी और नवरात्रि, अभी जो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है उसके संबंध में थाना अमलाई में बैठक ली गई है। शांति समिति के सदस्यों को बुलाया गया है। सभी को कोविड-19 का पालन करते हुए उत्सव मनाने की समझाइश दी गई है और सभी को सहयोग करने के लिए निवेदन किया गया है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।